आज बात करेंगे इकोसिस्टम फंक्शनिंग की, जिसको हिंदी में हम पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियाशीलता मतलब किस तरह से जो है इकोसिस्टम ये वर्क करता है, इसमें किस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी ये भी इसी में देखा जाएगा। जैसे आपने फूड चेन के बारे में देखा, कौन किसको खाता है, कौन किसको खाता है, ये सारी चीजें, तो कैसे एनर्जी मिलती है उन सब चीजों को देखते हैं और उन एनर्जी को क्या क्या बोला जाता है, वो सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो सारे पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक आता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP, एक ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, इसको बोला जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP की बात करेंगे। और तीसरा देखेंगे इसमें द्वितीयक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी SP। तो इन तीन चीजों को जानेंगे आखिर ये होते क्या है। तो सबसे पहले एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, लिखना लिखाना तो चलता रहेगा। तो आपने देखे थे पहले भी, आप इसको पढ़ चुके हैं, उत्पादक प्रोड्यूशन, उत्पादक कौन होते हैं, हरे वनस्पति, ठीक है, ग्रीन वेजिटेशन, हरे वनस्पति या पेड़ पौधे, हरे वनस्पति या पेड़ पौधे, ठीक है, ये तो देखिए थे हरे वनस्पति पेड़ पौधे ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, खाना कहाँ से मिलता है, सूर्य से, ठीक है, किस फॉर्म में, सोलर एनर्जी के फॉर्म में मिलता कि नहीं, ये सोलर एनर्जी या हम इसको रेडिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं या हिंदी में इसको हम विकिरण ऊर्जा या सौर ऊर्जा, विकिरण या सौर्य विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है, ये मिलती है।
आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं, हरे वनस्पति पेड़ पौधे हैं, जैसे मानव के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऐसे इनके लिए क्या जरूरी है? CO2 होता कि नहीं? तो वो हमें मिलता है एटमॉस्फेयर से, ठीक है, CO2 एटमॉस्फेयर से। और क्या क्या जरूरी है इनके लिए? खाद, पानी, मिट्टी, ये जरूरी है कि नहीं? तो सब कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलते हैं? अर्थ से, है ना, अर्थ से। और कहाँ से मिलते हैं इनको? पृथ्वी से, अर्थ से, ठीक है, अर्थ से पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं हरे वनस्पति को पृथ्वी से मिलते हैं। और क्या मिलता है यहाँ से? पानी मिलता है, जल, वाटर मिलता है कि नहीं? तो ये सब चीजें क्या है? हरे वनस्पति का भोजन है, है ना? जैसे हमको भोजन मिलता है, खाना मिलता है, तो हमारे अंदर क्या होती है? एनर्जी आती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम खाना खाओगे तो ताजगी महसूस करोगे अपने अंदर। ठीक उसी तरह से जो हरे वनस्पति है, जो उत्पादक वर्ग है, प्रोड्यूसर है, इसको सूर्य से सोलर एनर्जी भी मिलती है, CO2 भी मिलती है, और इसके लिए खाद, पानी जो पृथ्वी से मिलता है, पोषक तत्व और जल, ठीक है। अब इन्हीं प्रोड्यूसर को कौन खाते हैं, इन पे कौन डिपेंड है, बताइए। हाँ, इन पे प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी होते हैं। अब शाकाहारी को भोजन कहाँ से मिल रहा है? हरे वनस्पति से, ठीक है, जैसे बकरी घास खाती है, इस तरह से शाकाहारी। इन शाकाहारियों को, यहां तक लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना, इन शाकाहारियों को, ये शाकाहारी किसका भोजन बनते हैं? सेकेंडरी का, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये कौन होते हैं? मांसाहारी, ठीक है, मांस खाने वाले ना, जैसे आप लोग हैं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं, मांसाहारी, ठीक है। तो ये चैन पूरी क्लियर थी पहले भी। हम जो देखेंगे इसमें कि फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, कैसे फंक्शनिंग, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले थोड़ा बायोलॉजी की तरफ आ जाएंगे, दो तीन जो प्रोसीजर है उनके बारे में जान लेंगे। जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे मैं एक यहाँ पे रिएक्शन लिखता हूँ A+B, अभी उसको होल्ड पर रखेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे, पहले ये प्रोसीजर जान लेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन है A+B = AB, ठीक है, ये तो केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। एक प्रोसीजर होता है, तो मुझे ये बताइए कि जो ए बी है इसको हमने ब्रेक कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों, ए और बी में दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ना, यही तो हुआ। जब हम किसी बड़े प्रोडक्ट को छोटे छोटे प्रोडक्ट में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, इस तरह समझ लीजिए। तो हमने यहाँ पे बांट रखा है,
ब्रेक किया है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, अब खाना ये तो नहीं कि पूरा का पूरा जो है वही साबुत खा ली है, पूरा साबुत तो नहीं खाते ना, उसको चबाते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं, ठीक है, खाना जाता है फिर वो टूटता है प्रोटीन्स में, ये पूरी प्रक्रिया होती है, पचता है, ये चीज तो वही प्रक्रियाएं हैं। तो हम जब बड़े खाने को छोटे छोटे निवालों में उसको ब्रेक करेंगे, चबाएंगे उसको, जो चबाने की प्रक्रिया है, तो आपने सुना होगा कैटाबॉलिज्म, सुना कि नहीं, कैटाबॉलिज्म प्रोसीजर, इसको बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि बड़े जो कार्बनिक पदार्थ है उनको छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है। इस प्रोसीजर में क्या होता है, बड़े कार्बनिक पदार्थों को छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, पहला ये हो गया। इसके बाद में जब हम लोग खाना चबा लिए, ठीक, वो जो खाना है फिर पचेगा, उसका पाचन हुआ कि नहीं, नहीं पाचन हुआ कि नहीं, पाचन होगा, उससे ऊर्जा मिलेगी, तो जो पाचन की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। सुना कि नहीं आप लोगों ने, मेटाबॉलिज्म पाचन की प्रक्रिया, हिंदी में इसको उपापचय भी बोला जाता है, तो पाचन की क्रिया, पाचन की क्रिया मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन हो, इसमें भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, इसमें लिख लेंगे, इसमें क्या होता है, भोजन से ऊर्जा एनर्जी की प्राप्ति होती है। देखिए जब किसी व्यक्ति का भोजन अच्छे से पच जाएगा तो उसको अच्छी एनर्जी मिलेगी, इसका मतलब उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, अच्छा है, ठीक है, इसीलिए जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है वो फिट रहता है, स्वस्थ रहता है, जिसका मेटाबॉलिज्म कम होता है तो वो या तो मोटा व्यक्ति होता है, मतलब उसका जो पाचन शक्ति है वो ठीक नहीं होती, या तो मोटा है वो फिर बहुत कमजोर व्यक्ति होता है, ठीक है। अब एक ऊर्जा मिली, एनर्जी प्राप्त हुई, इसके बाद एक चीज आती है कि हमारी बॉडी कैसे ग्रो करती है, जैसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे तो नहीं कि एक बार जो पेड़ पौधा है कि पूरा वृक्ष ट्री बड़ा बड़ा निकला धरती से, ऐसे तो नहीं ना, ऐसी ह्यूमन बॉडी है, पहले छोटा बच्चा फिर बड़ा व्यक्ति फिर ग्रो होती है बॉडी, ठीक है। तो ये कैसे होती है, जब हम प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं, जब हमारी बॉडी क्या है प्रोटीन्स को तोड़ती है और जो हमारे हड्डियों के लिए विकास के लिए या अस्थि के विकास के लिए बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हमारी बॉडी क्या आपने पढ़ा होगा वाले जी, प्रोटीन्स वगैरह को, प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है हमारे शरीर को, ठीक है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं बीमार पड़ते हैं कि आप दाल खाइए, अंडा खाइए, दूध पीजिए, ठीक है, जब उससे क्या होगा शरीर का जल्दी ग्रो करेगा, रिकवर करेगी बॉडी, ठीक। तो जब हमारा प्रोटीन्स टूटता है, ठीक है, जब हमारा प्रोटीन्स टूटता है और किसमें, अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड में जब प्रोटीन्स टूटता है उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, ठीक है, एमिनो एसिड में प्रोटीन का टूटना,
द प्रोटीन टूटता है, ठीक है, एमिनो एसिड में, तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है एनाबोलिज्म। इससे क्या फायदा होता है? इससे बॉडी का विकास होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, शरीर का विकास होता है, अस्थि मतलब वोन हड्डी का विकास होता है, ठीक है। कौन से प्रोसीजर से होता है? एनाबॉलिज्म से होता है। ऐसी प्लांट्स में तो होता है कैटाबॉलिज्म, मतलब जब पौधे जो हैं मिट्टी से पोषक तत्वों की प्राप्ति कर रहे हैं, जल की प्राप्ति कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की प्राप्ति कर रहे हैं, CO2 की प्राप्ति कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मिट्टी है, पानी है, मिट्टी, ठीक है, तो बड़े कार्बनिक पदार्थ किसमें टूट रहे हैं? छोटे कार्बनिक पदार्थों में टूट रहे हैं। दूसरा मेटाबॉलिज्म, भाई इनको ये भी तो पचाते होंगे ना, इनके अंदर भी तो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक। तो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है। तीसरा एनाबॉलिज्म, आपने देखा पौधा छोटे से धीरे धीरे ग्रो करता रहता है, कैसे बढ़ता है वो, तो उसका कारण है एनाबॉलिज्म, ठीक है, वो प्रोसीजर है एनाबॉलिज्म। तो तीन प्रोसीजर है, समझ में आ गए, तीन प्रक्रियाएं हैं। चलो इतना नोट कीजिए तेजी से। नोट हो गया, अब आ जाइए, अब इस डायग्राम को ही समझेंगे। तो इससे हम एक अंदाजा अनुमान लगा सकते हैं, और वो है न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो पोषण स्तर है उसका, पोषण स्तर, या स्टोरेज ऑफ एनर्जी, कौन कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, किसको कितनी एनर्जी की जरूरत होती है, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का संचय, मतलब कौन कितनी ऊर्जा स्टोर करता है, ये ऊपर ही लिखना, जैसे लिखा है सेम वैसे लिखते रहना, ठीक। इसी डायग्राम से हम ये तीनों जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, ये तीनों समझ लेंगे, ठीक है। आप इधर आ जाइए, ध्यान दीजिए बिना। मान लेते हैं कि जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है सूर्य से, उनको एक हजार 1000 जूल, ठीक है। अगर हम जूल की बात करेंगे, जूल यूनिट लिखते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब किसको मेजर कर रहे हैं, एनर्जी को ना, ठीक है। तो मान लीजिए कि सूर्य से जो उत्पादक वर्ग है उनको 1000 जूल एनर्जी मिल रही है, ठीक है, प्राप्त हो रही है। तो जो सूर्य से उत्पादक को 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, मान लेते हैं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसी को बोला जाता है सकल प्राथमिक उत्पादकता, ठीक। अब आ जाइए, अब जैसे 1000 जूल किनको मिला, हरे वनस्पतियों को मिला, ठीक है, 1000 जूल सूर्य से पृथ्वी से पोषक तत्वों के रूप में किसको मिला, हरे वनस्पति को। अब देखिए शाकाहारी जो है, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो शाकाहारी है, वो किस पे डिपेंड है, उत्पादक वर्ग पे, इस पे डिपेंड है। तो ये इनको खाएंगे कि नहीं, हरे वनस्पतियों को खाएंगे जो शाकाहारी है, तो जो इनके पास एनर्जी होगी उसी में से खाएंगे, ठीक है, उसी में से। तो मान लीजिए इन्होंने अपने कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में, मान लीजिए 1000 में से 900 जूल अपने पास इन्होंने
यूज किया हरे वनस्पति, तो आगे कितना भेजा इन्होंने, कितना भेजा बोलो, 100 भेजा ना, तो इन्होंने कितना भेजा, 100 भेजा। ध्यान से बनाना, यही लिख देते हैं 100, ठीक है 100। तो ये 100 किसको मिल रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर को मिल रहा है, ठीक है, सहकारियों को मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, ये सहकारियों को मिल रहा है। तो इसको बोला जाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। ऊर्जा की वह मात्रा जो हरे वनस्पति उत्पादक वर्ग से किसको मिलती है, सहकारियों को मिलती है या प्राथमिक उपभोक्ता को मिलती है, उसको हम बोलते हैं NPP, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता या नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब भाई 100 इनको मिला, ठीक है, मान लीजिए 100 में से इसने 90 जूल अपने इस्तेमाल में लिया, कौन सी प्रक्रिया में लिया, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक, सबके अंदर ही होगा, इन प्रक्रिया में खर्च हो गया। तो अब बताइए आगे जो है कितना मिला सेकेंडरी उपभोक्ता को या मांसाहारी को, कितना मिला, 10 मिला, 10 जूल मिला, 10 जूल, ठीक है, इनको मिला 10 जूल। इसी को बोलते हैं हम द्वितीयक उत्पादकता, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऊर्जा की वह मात्रा जो प्राइमरी कंज्यूमर से किसको मिलती है, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलती है, उसी को हम बोलते हैं द्वितीयक उत्पादकता, ठीक। अब मुझे बताइए कंक्लूड करेंगे, अब देखिए एक साथ जवाब आना चाहिए, सुन लेना ध्यान से। अगर मैं ये कहूं आपसे, ये पूछा जाए सवाल कि सबसे कम ऊर्जा का स्टोरेज कौन करता है, तो क्या आंसर होगा, हाँ मांसाहारी या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, सबसे कम स्टोरेज इन्हीं का होता है, ठीक। एक जनरली क्वेश्चन और कर लेते हैं, अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा इसमें ऊर्जा का स्टोरेज कौन करता है, प्रोड्यूसर हरे वनस्पति, ठीक है, सबसे ज्यादा ये करते हैं और सबसे कम क्या है, सेकेंडरी उपभोक्ता मांसाहारी करते हैं, ठीक है। मगर जो फंक्शनिंग होती है, ठीक, क्रियाशीलता होती है, वो सबसे ज्यादा मांसाहारियों की होती है, सबसे ज्यादा मांसाहारियों की होती है फंक्शनिंग। तो जब क्रियाशीलता सबसे ज्यादा मांसाहारियों की होगी तो इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, होगी कि नहीं, इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती, जब इनको सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो इसीलिए क्या है, ये मांसाहारी अन्य जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन पे भी डिपेंड रहते हैं और उनका भी उपभोग करते हैं, ठीक है। हम देख रहे थे न्यूट्रिशनल स्टेटस, कैसे स्टोरेज ऑफ एनर्जी कौन कौन करता है, तो आपने देख लिया कौन कितनी ऊर्जा की मात्रा को स्टोर करता है, स्टेज इसकी भी निकाल लेंगे, इसे ऊपर लिखा था ये हो गई फर्स्ट स्टेज, ठीक है, और ये कौन सी हो गई सेकेंड स्टेज या सेकेंड स्टेटस, आप कुछ भी कह सकते हैं, और इसी तरह से ये हो गई थर्ड स्टेज, ठीक है, इस तरह हो गए, इस तरह हो गए, तो ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन अगर आपसे कर ले, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा ऊर्जा की
ऊर्जा का जो यूज करता है, स्टोरेज करता है, वो कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है, ठीक है। और सबसे कम सेकेंडरी करता है, ठीक है। सेकेंडरी को कहाँ से एनर्जी मिलती है? प्राइमरी से। प्राइमरी को कहाँ से? प्रोड्यूसर से, हरे वनस्पति से। और इन प्रोड्यूसर को कहाँ से? सारी चीजें, सूर्य, सन, ठीक है, और एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और अर्थ से, इन सब तीनों से, ठीक है, ऐसे मिलता है। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, इन सब में क्या है, तीन प्रोसीजर होते हैं। कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है कि बड़े कार्बनिक पदार्थ छोटे कार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं, ब्रेक होते हैं। दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म, जिसको हम पाचन की क्रिया बोलते हैं या उपापचय बोलते हैं, पाचन की शक्ति बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम जो भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। और तीसरा होता है एनाबॉलिज्म, इसमें प्रोटीन ब्रेक होता है और वो हमारे हड्डियों के लिए सहायक होता है, हमारे शरीर के लिए सहायक होता है, शरीर का विकास करने के लिए सहायक होता है, ठीक है। तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग में हमने तीन चीजों को जानना था। पहला था सकल प्राथमिक उत्पादकता, वो जान लिए। दूसरा शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, उसके बारे में जान लिए। तीसरा द्वितीयक उत्पादकता, इसके बारे में जान लिए। ये क्लियर हो गया ना? इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं ना? चलो अब एक साइकिल जान लेते हैं, जियो केमिकल साइकिल। नोट हो गया? जल्दी कीजिए नोट। जियो केमिकल साइकिल, जैव रासायनिक चक्र के बारे में जान लेंगे। है ये पूरा चक्र ही है, बस इसको जो है आप सिंगल सिंगल वर्ड में लिखेंगे। डायग्राम अच्छे से बनाना, फिर बोल रहा हूं। भूजैव रासायनिक चक्र, जियो केमिकल, जियो बायोकेमिकल या जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। आपने कल पढ़ा था कि जो जैविक समुदाय है, पृथ्वी है, उसके चारों तरफ लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक जीवनदायी लेयर है, जिसमें क्या है, जल मंडल है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है, स्थल मंडल है, लिथोस्फीयर है, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर है कि नहीं? ये पढ़ा था कि नहीं? इसमें जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी चक्र होते हैं, वो सारी चीज इसमें आएगी। फूड चेन भी इसमें आएगी, ये जो भी आपको बताया है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है, ठीक है, ये भी इसमें आएगा, मतलब न्यूट्रिशन स्टेटस, ये भी सब इसी में आएगा, ठीक। जो पूरा फ्लो ऑफ एनर्जी है वो सब इसी में आएगा। तो इसको आप बताएंगे बड़ी तेजी से। आप मुझे बताइए, एक होते हैं अपघटक, जहां लिख रहा हूं वहां लिखना, नीचे लिखना आप लोग, इसको डीकम्पोजर बोला जाता है, अपघटक। अपघटक का नाम सुना था ना आप लोगों ने, ठीक है। इनका क्या काम होता है? हाँ, जो ये ऐसे जीव होते हैं जो मृत शरीर होता है, ठीक है, ये अवशेष होते हैं, उसमें से अपना भोजन ये निकालते हैं, ठीक, इनका यही काम होता ना, इनका यही काम होता है। ये जटिल कार्बनिक तत्वों की, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक तत्वों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक एलिमेंट्स को किस रूप में इस्तेमाल करते हैं या ब्रेक करते हैं? ये अपने पोषक तत्वों के रूप में, है ना, न्यूट्रिएंट्स,
न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों के और इन्हीं पोषक तत्वों का इस्तेमाल कौन करते हैं, इन्हीं पोषक तत्वों का इस्तेमाल कौन कर रहे थे, हरे वनस्पति या प्रोड्यूसर उत्पादक करते कि नहीं, कौन करते हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर उत्पादक करते हैं, उत्पादक करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं। अब ये जो उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनको इनका यूज कौन करता है, कंज्यूमर करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर का प्राइमरी, प्राइमरी का सेकेंडरी, तो कौन करते हैं, कंज्यूमर करते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर्स करते हैं, ठीक है, कंज्यूमर करते हैं। और फिर वही आपने देखा था, ये पूरा सारे की लाइफ होती है, लाइफ समाप्त होने के बाद फिर से क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। और वही आपने देखा, जो मरे हुए हैं, मरा हुआ शरीर है, डेड है, ठीक है, उनको फिर क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर फिर से उसी साइकिल में प्रोसीजर में घूमता रहता है। यही तो प्रोसीजर था, यही था कि नहीं, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है, एक सवाल आपसे पूछा जाए तो बताएंगे, क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक वर्ग है, वो सीधे जो है डिकम्पोज हो जाए, हो सकता है कि नहीं। क्या उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर जो है, वो सीधे डिकम्पोज हो जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं, सोच के बताइए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। पहली बात तो ये बताइए कि उत्पादक कौन होते हैं, हरे वनस्पति, तो डिकम्पोज हो सकते कि नहीं, हो सकते कि नहीं, सबकी लाइफ होती है, होता है, तो ये भी डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। इसी को बोला जाता है जियोकेमिकल साइकिल, भूजैव रासायनिक चक्र, ये पूरा एक चक्र है, फूड चेन जिसको कहते हैं, ये सब एक, अगर हम इसी में जो है एक भोजन की बात कर लें, कौन किसको खाता है, तो वो हो जाएगा फूड चेन, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, पोषक तत्वों की बात कर रहे हैं, केमिकल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी से लेकर के, तो इसलिए इसको बोलते हैं भूजैव रासायनिक चक्र पूरा, ठीक। तो इकोसिस्टम की फंक्शनिंग देख ली, किस तरह से काम करता है इकोसिस्टम, किस तरह से काम करता है, फ्लो ऑफ एनर्जी देख लिया, किस तरह से होता है, ठीक है, और साइक्लिक प्रोसीजर पूरा देख लिया, किस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।